चूल्हे टच द लेक, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त हम है पिन वैली में, जो कि स्पीति का बेहद ही सुंदर वैली है। और आपने पिछली वीडियो में देखा और जाना सगनम गांव के बारे में, जो कि पिन वैली का सबसे बड़ा गांव है। और अभी इस वक्त हम है गुंगरी गाँव में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है गुंगरी गाँव। और यहाँ पर अभी इस वक्त मैं हूँ गुंगरी गोम्पा में, जो कि पिन वैली का सबसे बड़ा और मुख्य गोम्पा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गुंगरी गोम्पा के बारे में, और मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी, जैसे आपने पिछली वीडियो में भी आप मिले हैं, हमारे छुल्डी मंकल से। नमस्कार जुले टच द लेक, अभी हम लोग हैं गुंगरी गोम्पा के मुख्य द्वार के समक्ष खड़े हैं। काफ़ी प्राचीन मोनेस्ट्री है, गोम्पा है। बुजुर्गों के मतलब कथन अनुसार हमने सुना है कि ये लगभग 600 से 700 साल पुराना है। तो उस समय बहुत ही छोटा गोम्पा हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन आज बहुत ही मतलब भव्य मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। और समय के अनुसार जो है इसके लगभग अध्ययन अध्यापन में जो लामागण हैं, भिक्षुगण हैं, उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। आधुनिक जो पढ़ाई है, अध्ययन है, और भाषा के जो अध्ययन अध्यापन है, उन सभी क्षेत्रों में, और ख़ास करके जो पूजा पद्धति है उसके साथ साथ जो आधुनिक जो विद्या ग्रहण करना है उसके क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं गुंगरी गोम्पा के बारे में। जितने भी पाप वगैरह जो भी मतलब कमी पेशी हुए उन सभी की पूर्ति के लिए, देशना के लिए ये जो पूजा चल रहा है, और समय जो है उसका पूरी तरह से पालन करें, और उसमें जो भी कमी पेशी हुई है उसकी देशना के लिए जो यहाँ पर लामा जी पूजा पाठ कर रहे हैं। इस गुहा मंत्र धर्मदीप जो कुंगरी स्थित मनुष्य के अंदर हम लोग अभी थुजी शंभु मुंसर ब्रह्म के कक्ष ग्रह में यहाँ पर हैं उपस्थित। और यहाँ पर जो ये धर्मचक्र जो है आप अभी देख रहे हैं, धर्मचक्र तुमजुर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में धर्मवीर, इसके अंदर जो है अवलोकेश्वर के मंत्र ओम मणिपद्मे हुम जो षड अक्षर है, जो सभी विघ्न बाधाओं और सभी जो हमारे मनोकामना पूर्ति और सभी अच्छे जो विचार है, सद्विचार की विचार जो है उसकी वृद्धि के लिए ये मंत्र जो है इसके अंदर कागज़ में छाप करके करोड़ों के लाखों की संख्या में इसमें घोल करके इसमें डाला जाता है। इसको घुमाने से जो है काफ़ी पुण्य प्राप्त होते हैं, इसमें हमारे जितने भी पाप है उसकी देशना के लिए, जो हमारे जितने भी समय है, तमसिक है, नमछाक वगैरह जो भी कमी पेशियाँ हैं उनकी पूर्ति के लिए, और पूर्व जन्म में हमने जो भी कमियाँ जो पाप किए हैं उसकी देशना के लिए, उसकी परिशुद्धि के लिए जो है इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर तुंगिर वगैरह घुमाते हैं। जी अभी हम लोग अब पहुँचे हैं ये जो गुरु लखन गुरु देवगृह, गुरु पद्म संभव का जो है मुख्य रूप से यहाँ पर जो मूर्ति है वो पूर्व जो हमारे जो यहाँ मुख्य लामा जो है यो मेरे मुझे जी उनके जो पूर्व जो है अवतारी जो है उनके पूर्व काल में उनके निर्देश अनुसार ये जो गुरु का निर्माण हुआ है यहाँ पर गिलोंग, उनके पूर्व गिलोंग ईशिबाने जी के कुदुंग है ये स्तूपा जो है, और ये पूर्व जो है योमित मुझे जो अभी वर्तमान यहाँ मुख्य लामा जी हैं गुरु मुझे जी, उनके जो है कुदुंग जो है स्तूपा ये वाला इसके अंदर है। और ये है वज्रपाणी, वज्रपाणी जिसे हम लोग अपने भाषा में छकनाथुर जी बोलते हैं, शक्य मुनि। और ये क्या दुजरमुशे जी जो अभी जो हमारे जो मुख्य लामा जी है उनके जो है कुदुंग यहाँ पर जो उनके निर्माण होगा, छत थे तो लोकल छज्जा की वजह से जो बारिश होते थे फिर बर्फ़ होता था उसके पानी वगैरह जो अंदर रिसने की वजह से इसमें काफ़ी जो है क्षति हुई है, नुकसान काफ़ी हुआ है। तो बाद में रिम्पोछे जी के द्वारा जो है इनको ऊपर छज्जा लगा करके चादर आधुनिक जो छज्जा लगा करके बाहर से पत्थर के द्वारा कवर किया गया। 2004 को जो दलाई लामा जी यहाँ पर पधारे थे तो उस समय वहीं पर ही जो बीच में जो पिलर जो लगाए गए थे ड्रैगन पिलर जो है उन्हीं बीच में उनका आसन लगाए गए थे, और यहाँ पर सभी श्रद्धालुगण जो बैठने का ग्राउंड था तो यहाँ पर जो अभी कंस्ट्रक्शन चला हुआ इस वजह से ये ग्राउंड वगैरह फिलअप कर दिया। तो उन्होंने यहाँ पर आ करके सभी लोगों को दलाई लामा जी का जो आशीर्वचन है वो प्राप्त हुए हैं। अभी हम लोग गुंगरी गोम्पा जो है उज्जैन सांगा छोइलिंग जिसे गुहा तंत्र धर्मदीप
कहा जाता है हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो उसके मुख्य गुम्पा के प्रांगण में अभी हम खड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य गुम्पा के जो आसपास जितने भी ये लामा लोगों के लिए ये हॉस्टल है, लामा लोगों के भिक्षुगण के निवास छात्रवास, और यहाँ पर लामागण जो है यहाँ पर बैठ करके अध्ययन और अध्यापन किए जाते हैं और सुबह शाम यहाँ पर पूजा पाठ होते हैं। संभव जी का और बीच में शक्यमुनि बुद्धा तारा जिसे तोर्मा कहते हैं, तारा देवी, इनका मुख्य रूप से तीन मूर्ति है यहाँ पर। यहाँ बीच में जो तोर्मा का निर्माण किए गए हैं तो ये महामचिक्ठमा नामो जिसे हम कहते हैं महाभद्रकाली, तो उनका जो है तोर्मा बनाए गए हैं। ये अभी अब यहाँ पर जो ग्रंथ रखे हुए हैं, कंजूर जो है वो हिंदी भाषा में उसको त्रिपिटक कहा जाता है, और त्रिपिटक का जो है उसका तीन वॉल्यूम है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। तो इन तीनों में जो है भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं तो उपदेश जो है इसमें पूरे कंजूर जो कंजूर के अंदर उनके उपदेश है वो सारांश जो है इस कंजूर के अंदर में तीनों जो पिटक है जिसे हम कहते हैं त्रिपिटक, यानी कि सूत्र, विनय और अभिधर्म पिटक। तो उसमें अलग अलग जैसे विनय पिटक में है जो भिक्षुओं का जो नियम है, कायदे हैं, उनके बारे में विशेष रूप से उस पर दिया गया है। और ये कंजूर का जो है इसका मूल जो है भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो संस्कृत और पाली भाषा में, और आचार्यों के द्वारा इसका अनुवाद किए गए हैं बोटी भाषा में। अभी हम लोग अब गुम्पा जो है अभी हमने दर्शन किए हैं, उसके पश्चात अब हम इस गुहा तंत्र धर्मदीप संगाशोलिंग मठ के लाइब्रेरी में पहुँचे हुए हैं। लाइब्रेरी में अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लाइब्रेरी में लामागण है वो अपने जो है समय, जब भी समय मिलते हैं तो यहाँ पर आकर के अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे कुर्सी वगैरह जो है, लाइब्रेरी काफ़ी भव्य और काफ़ी आरामदायक लाइब्रेरी पुस्तकालय बनाया हुआ है। अधिकतर जो पुस्तकें हैं वो बोटी भाषा में हैं, लेकिन कुछ एक पुस्तकें हैं जो सारे जो यहाँ अंग्रेजी में भी हैं और हिंदी में भी हैं। जैसे ये भी, ये पुस्तक जो है वो थंका के बारे में है, थंका के बारे में किस प्रकार से थंका का रख रखाव, कैसे थंका को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, उसके बारे में, ये थंका के केयर के बारे में। संक्षेप में अध्ययन अध्यापन जो है आप अपना जारी इस लाइब्रेरी में आकर के शिक्षा का जो है एक नॉलेज जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब लामागण से मतलब परमिशन लेकर के कोई भी आकर के यहाँ पर अपना अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम घुंगी मॉनेस्ट्री से ऊपर चढ़ करके चौमू गुम्पा जो है ना, चौमू गुम्पा नन मॉनेस्ट्री, वहाँ पहुँच रहे हैं आप। शिवंग लामा जी, तो इनसे हम थोड़ा संक्षेप में जानेंगे इस नंदरी के बारे में। तो लामा जी, आप हमें बताएंगे कि इस नंदरी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ये नंदरी जो है एक जो इसका फाइनेंशियल फाउंडेशन जो रखा है वो एक वेस्टर्न नन था, कर्मा लक्ष्य सोमो नाम का, वो एक बार यहाँ विजिट किया था, अमेरिकन नन था, तो उन्होंने एक डोनेशन के तौर पर 50,000 का वो रखा था इधर। उसके बाद 2003 से ये उनका जो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा जो है प्रॉपरली शुरू हुआ है। जो नंज है उनकी पढ़ाई वगैरह यहीं पे होती है? हाँ जी, यहाँ इनका पढ़ाई, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम की वजह से और बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, हम जो समर है हम यहीं बिताते हैं 2-5-6 महीने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो विंटर, विंटर के लिए हम, विंटर के लिए यहाँ प्रे होना और कुछ भी होना बहुत मुश्किल है। विंटर में हम कहीं और शेल्टर लेते हैं, जैसे रिवाल्सर में कभी कभी बोध गया, इस तरह से 5-6 महीना वहाँ विंटर वहाँ बिता के वहाँ पर हम वो जो पढ़ाई करते हैं अपने रेगुलर। जो बीच वाली मूर्ति है ये हमारे गौतम बुद्ध जी की है ना, वो तो शायद अब सबको पता है, जो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का जो फाउंडर ना, सेकंड बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो
और ये उनको लोटस बॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, गुरु रिम्पोछे, गुरु पद्म संभवा। वैसे इनके 8 डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। क्रोधी काली है ना, ये एक हमारे तांत्रिक उसमें एक डेटी है। ननरी जो मोनेस्ट्री है दिचिन चोलिंग, उनके जो रहने के जो हॉस्टल है, ये जो पूरा हॉस्टल इनमें यहाँ पर वो बैठ करके अपना अध्ययन अध्यापन, और नीचे जो है ये वाला रूम जो है इसमें कक्षा लगाए जाते हैं हर रोज़। ये जो है 14 लोगों के ठहरने का ननरी जो स्टे होम जो हॉस्टल है एक प्रकार के, तो इसमें मतलब सारे जितने भी नन्स है वो यहाँ पर रह करके फिर सुबह शाम पूजा पाठ का यहाँ पर मंदिर में आकर के पूजा पाठ, और दिन के टाइम जो है उनके रेगुलर क्लासेस जो कक्षाएं लगते हैं। वर्तमान समय में जो है चोमो लगभग 30-40 जो चोमो नन्स है यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर बैठ करके अध्ययन अध्यापन पठन पाठन का कार्य जो है सुसंपन्न हो रहा है। ये हमारे चमो जो चमो गण है उनके जो किचन अच्छा डाइनिंग हॉल। किनारा हो गया ना? ओ भाई, इसकी बाई